अगर हम पीटीआई के ऊपर नज़र दौड़ाएं, पीटीआई पार्लियामेंट से बाहर जो कारकर्दगी रही है पीटीआई की, उसके अंदर हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आपके कुछ लोग हैं जिन्होंने उसके हक के अंदर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डाला है और उनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। आप लोगों की एक अहम मीटिंग भी हुई है उस हवाले से। तो कल ही हमारे शो के ऊपर मरवत साहब भी थे, शेर अफजल मरवत साहब, और उन्होंने ये बयान दिया कि 21 लोग आपके जो थे वो 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट डालने के लिए तैयार थे। क्या आपको इन लोगों के नाम पता हैं, और अगर पता हैं तो फिर इसके खिलाफ पार्टी क्या करेगी? देखिए, 21 का नंबर तो शायद थोड़ा दुरुस्त ना हो, लेकिन यकीनी तौर पे काफ़ी लोग थे जो उस वक्त तैयार थे और हमें इत्तला थी कि वो शायद वोट डालेंगे, लेकिन उनको मुझे लगता है रिजर्व में रखा गया है और सिर्फ वोट दिलवाए गए हैं जितने ज़रूरी थे। तो जिन्होंने तो वोट डाले हैं वो तो यकीनी तौर पे डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि यही आर्टिकल 63A कहता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने वोट नहीं डाले लेकिन हमें इतला है कि वो इन्वॉल्व थे, उनको या शक है कि वो इन्वॉल्व थे, उनको शो कॉज नोटिस हो गए हैं। ज़ाती तौर पे मेरा ये यकीन है कि जब तक आपके खिलाफ कोई चीज़ साबित ना हो जाए, ये इल्ज़ाम ही होता है और शक ही होता है, तो हमारे जो जिनके ऊपर शकूक हैं उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे और उनको एक चांस देंगे कि अपना वो एक्सप्लेनेशन दें, अपनी सफाई पेश करें, और अगर वो सफाई ना मंजूर हुई तो फिर हम उनको पार्टी से निकालने का भी नोटिस दे सकते हैं।